प्रदेश के धार जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवती ने अपने डॉक्टर प्रेमी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि जब लड़का गरीब था तो उसने ही अपने खर्चे पर MBBS की पढ़ाई करवाई और लोन लेकर युवक का पक्का मकान बनवाया, साथ ही लोन से ही कार और मोटरसाइकिल दिलवाई। इसके अलावा युवक 10 साल से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा, लेकिन अब उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। इश्क, प्यार और धोखे की यह दास्तां धार जिले के धनपुरी गांव की है, जहां पीड़ित युवती ने पुलिस में शिकायत करते हुए बताया है कि दिलीप पुत्र श्याम ठाकुर पड़ोस में पढ़ने के लिए आया था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई के साथ साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन दिलीप ने नौकरी लगने के बाद शादी करने की बात कही थी। 2009 से मैं टीचर हूँ। दिलीप की पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया और उसको MBBS डॉक्टर बनाया और बाइक एवं कार लोन लेकर खरीद कर दी। डॉक्टर ने कई बार शादी की बात कहकर मेरे साथ पिछले 10 सालों से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि बीती 21 जून को आरोपी डॉक्टर ने बिना किसी को बताए दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसकी जानकारी आरोपी के मामा से मिली। युवती ने बताया कि आरोपी 2010 से शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसके अलावा युवती ने बताया कि उसने प्रेमी को अपने पैसों से पढ़ाई लिखाई घर गाड़ी सब दिलाया, लेकिन फिर भी उसने धोखा दिया। शादी का पता चला तो युवती ने धर्मपुरी थाने में प्रेमी डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। DSP सिंधे के मुताबिक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है, दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जैसे 2006-07 की बात है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इस बीच उस लड़के ने या फिर हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर मतलब हम दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैं PMT सिलेक्शन हो जाएगा, MBBS कर लूँगा, इसके बाद मैं तुम्हारे से शादी कर लूँगा। तो उस लड़के ने उसके बड़े पापा को बताया, तो उसके बड़े पापा हमारे घर पर आए, मेरे पापा मम्मी से बात करी, तो पापा मम्मी से बात होने के बाद में शादी की बात तय कर ली गई। MBBS पूरा होने के बाद उसने जबलपुर से किया है, लड़के का नाम डॉक्टर दिलीप ठाकुर है, जो अभी सेंधवा करोना हॉस्पिटल में पदस्थ है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पद पर है। तो फिर MBBS पूर्ण होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा आप शादी कर देते हैं, तो उस लड़के ने कहा कि पापा मैं PG करना चाहता हूँ, मेरा PG में हो जाने दो। PG में सिलेक्शन होने के बाद में उसको 2 साल लगा, 2 साल होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा चलो शादी कर लेते हैं, अब करवा लेनी चाहिए, अब काफ़ी टाइम हो गया है। शादी की बात को पलटता रहा, आगे बढ़ाता रहा कि नहीं पापा थोड़ा सा मुझे जॉब लग जाने दो, कहीं पदस्थ हो जाने दो, ऐसा सोच के फिर सेंधवा करोना हॉस्पिटल में पदस्थ हो गया। उसके बाद भी उसने क्या किया, शादी करने से इनकार कर दिया। इस बीच जबलपुर से, इंदौर से कई बार धर्मपुरी आया, धर्मपुरी आकर के कई बार मेरे घर पर आया और शारीरिक संबंध मुझसे बनाता रहा, ये कहकर कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, परंतु आज तक उसने मुझसे शादी नहीं करी। इस बीच उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब थी, तो मेरे द्वारा, मेरे पेरेंट्स के द्वारा उसे आर्थिक सहायता दी गई। उसके पास जो कार है वो मेरे नाम से है, पर वो अभी आज तक वो चला रहा है, और बाइक मेरे भाई के नाम से है, वो भी यूज़ कर रहा है। और रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।